तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी पत्नी में ये लक्षण हैं तो आप वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली पति हैं और इन 7 गुणों वाली स्त्री वाकई में ईश्वर का रूप होती है। लक्ष्मी का आगमन तभी घर में हो जाता है जब इस तरह के गुणों वाली स्त्री घर में पत्नी बनकर आती है और इन्हीं गुणों वाली स्त्री को भाग्यशाली स्त्री कहते हैं। हिंदू धर्म में अपनी अपनी परंपरा है जिसे कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते। हिंदू धर्म में पत्नी को पति का एक अहम हिस्सा माना गया है। पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार एक ही है जिसके अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा है। पत्नी अगर सौभाग्यशाली हो तो पति का जीवन खुद से ही सरल और खुशहाल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पत्नी जो घर की लक्ष्मी होती है वो अगर अच्छे गुणों वाली या अच्छी आदतों वाली नहीं होती है तो घर के साथ साथ पति का जीना ही मुश्किल हो जाता है। तो आज जानेंगे कि कौन कौन से गुण है जो यदि किसी की पत्नी में है तो उससे अधिक इस दुनिया में कोई दूसरा भाग्यशाली पति नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, धर्म का पालन करने वाली। वो स्त्री जो धर्म के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती हो, अर्थात वो महिला जो ईश्वर में विश्वास रखती हो, वो घर में बहार और खुशहाली लाती है। धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला इंसान हमेशा सही काम करता है और ईश्वर से डरता भी है। इसीलिए जो पत्नी धर्म के अनुसार जीवन यापन करती है वो पति के लिए हमेशा खुशी लाने वाली होती है। और नंबर 2, जिसकी इच्छाएं सीमित हों। वो स्त्री जिसकी इच्छाएं सीमित रहेंगी वो महिला सदा पति के लिए भाग्यशाली होगी। महिलाओं की इच्छाएं पुरुष को गलत मार्ग पर ले जाती हैं। खासकर यदि पत्नी की इच्छाएं भौतिकवादी हैं तब तो समझो कि पति के जीवन में खुशी जैसे आएगी ही नहीं। और नंबर 3, वो स्त्री जो धैर्यवान हो। यदि आपकी पत्नी में धैर्य है तो समझ लो कि आप वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं। पत्नी में धैर्य का अर्थ है कि वो अपने पति के साथ हर स्थिति में खड़ी रहेगी। पत्नी के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो पति के हर बुरे काम को खत्म कर सकती है। यदि पत्नी में धैर्य है तभी वो पति के लिए इस तरह के काम कर सकती है। नंबर 4, जिसको क्रोध नहीं आता हो। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि यदि आपकी पत्नी को कभी गुस्सा ही ना आए। हर पति अपने लिए ऐसी ही पत्नी मांगता है जिसको कभी गुस्सा ही ना आए। इसलिए यदि आपकी पत्नी को गुस्सा नहीं आता है तो समझ लेना कि आप संसार के सबसे भाग्यशाली पतियों में शामिल हो। और नंबर 5, जो सूर्य के अनुसार जीवन यापन करे। जो स्त्री सूर्य के अनुसार चलती है, अर्थात सूर्योदय से पहले उठती है और सूर्य ढलने के साथ सोने को जाती है, वो स्त्री वाकई में लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इस तरह के गुणों वाली पत्नी के घर से बीमारियां गायब रहती हैं, इसीलिए इस तरह की पत्नी को भाग्यशाली माना जाता है। नंबर 6, जिसकी वाणी में मिठास हो। केवल पति ही नहीं, घर के अन्य सभी सदस्यों या फिर परिवार से जुड़े सभी लोगों से संयम से बात करने वाली स्त्री एक गुणी पत्नी कहलाती है। ऐसी पत्नी जिसके घर में हो वहाँ कलह और दुर्भाग्य नहीं आता। आज के जमाने में जहाँ स्वतंत्र स्वभाव और तेज तर्रार बोलने वाली पत्नियां भी हैं जो ये नहीं जानती हैं कि किस समय किससे कैसे बात करना चाहिए। पत्नी की बोली यानी वाणी ही पति के लिए स्वर्ग और नरक का निर्माण करती हैं। वाणी में मिठास है तो घर स्वर्ग हो जाता है और वाणी ही कठोर हो तो रोज का हाल बुरा हो जाता है। नंबर 7, पति की हैसियत का ध्यान रखने वाली। विवाह के बाद एक स्त्री न केवल एक पुरुष की पत्नी बनकर नए घर में प्रवेश करती है बल्कि वो उस नए घर की बहू भी कहलाती है और उस घर के लोगों और संस्कारों से उसका गहरा रिश्ता बन जाता है। शादी के बाद उसका सबसे पहला धर्म होता है कि वो अपने पति और परिवार के हित के बारे में सोचे। ऐसा कोई काम ना करे जिससे पति या परिवार का अहित हो। तो दोस्तों इन गुणों वाली पत्नी को ही भाग्यशाली कहा जाता है। हमने पहले ही बताया है कि इन 7 गुणों वाली स्त्री वाकई में ईश्वर का रूप होती है और लक्ष्मी का आगमन तभी घर में हो जाता है जब इस तरह के गुणों वाली स्त्री घर में पत्नी बनकर आती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो मैं मिलूंगा एक और नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।